से कहना चाहते हैं यही, हमारा भाई है, मेरा छोटा भाई हिमांशु है, और इतने दिनों के बाद आया है, 17 साल के बाद पहली बार आया मुझसे मिलने के लिए। क्या बताएं आप लोग से, कलेजे में एकदम ठंडक मिल गई। अब इसको देखने के बाद एकदम मन कर रहा है हिमांशु ना कि कब मम्मी पापा को देख लें, कसम से कह रहा है। चलिए दीदी घर अब चलिए, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, सच में कह रहा है, अब चलिए रो मेरे देंगे। घर चलिए। दीदी से मिलने, दीदी से मिलने, आज किसी से बताया भी मम्मी ना, दीदी से मिलने चले आए हैं। घर पे क्या हाल होगा? अब पता नहीं, अभी तो किसी से बिना बताया आए दीदी से मिलने का। हम दीदी से मिलेंगे तो दीदी से किसी भी हाल में आए, चुपके से आए मिलने दीदी से अपने। हेलो फ्रेंड, नमस्ते प्रणाम, और हम गोरखपुरिया बजे गोर छुके गोर लगाता नहीं, कैसा बानी रहो लोग बताएं जा जरूर। और आज आप लोग से बहुत जरूरी बात कहे वाला बानी कि रउआ लोगन के जशन की पता बा कि हमार शादी लव मैरिज है, और इतना दिन हो गए, 17 साल हो गए, और 17 साल में अभी तक ले अपने माँ बाप के, चाहे अपने भाई के, चाहे अपने बहन के, चाहे अपने भौजाई के केहू के चेहरा नहीं की देख ले, चाह कर भी नहीं देख पावे नहीं। शायद हम कामे वैसा कैले बानी कि सब मतलब सबकर करेजा जौन बा एकदम कठोर हो गई बा। तो बस रउआ लोग से यह कहल चाहता नहीं कि आज 17 साल के बाद हमरे जिंदगी में वो खुशी आयल बा, वो पल आयल बा जौना कि हम चाह के भी बयान नहीं कर पाती। आप लोग से सब कुछ बताए, लेकिन उससे पहले रउआ लोग से आज हम ये बता दें कि हमरे साथ भइल का रहल है। अगर आप लोग नया सब्सक्राइबर बानी तो नहीं पता हुई, आप लोग के पुरान सब्सक्राइबर बानी तो आप लोग के सब कुछ हमारे जर्नी के बारे में सब कुछ पता बा। अगर नया सब्सक्राइबर बानी तो हम आप लोग से बता दें कि हम लव मैरिज शादी के लिए रहनी, और आज से 17 साल पहले, और 17 साल में हर एक दिन और हर एक रात यूट्यूब से अले के पहले, यूट्यूब पर तो हम अब आयल बानी, लेकिन यूट्यूब के पर अले के पहले भी हमारे एगो जिंदगी रहे जौन कि एकदम एगो हाउस वाइफ रही, दुकान चलाई, और दुकान में आप लोग जाने नहीं कि परमानेंटली कस्टमर ना आना लोग, बच्चे लोग स्कूले चल जाए, अकेले पड़ जाए दिन में भी और रात में भी। हमार महादेव जी जैसन कि रउआ लोग जानता नहीं कि ठेला वाला पहले चलावत रहे, कलम बेचे हैं, दवाई बेचे हैं, कपड़ा बेचे, टी शर्ट बेचे हैं, ठेला के रिक्शा चला चला के दिहाड़ी कर करके 300-400 रोज के लिए आवे। तो हमनी के रोज 1 किलो खरीदाए, 2 किलो खरीदाए तो साझी का मन के खर्चा निकले। और आज 17 साल के दिन हो गई हमार, आप लोग देख सकता नहीं कि हमार 3 गो इतना बड़ा बड़ा बेटी बाड़ी, एगो रिया, खड़ा हो जाओ बेटा, रिया जौन बाटी आप लोग देख सकता नहीं, 14 साल का होए वाला बाटी, वो मतलब 14 साल लग गई बा, 8 दिसंबर से ही, 8 दिसंबर से 14 साल लग गई बा, सिया बाटी, छन छन बाटी, बच्चे इतना बड़ा हो गए ना। बच्चे भी हमसे पूछा ना कि मम्मी, बहुत बार पूछा ना, आप तेल उनके आदत पड़ गई बा, कहे से कि बहुत बार लोग पूछे ना जवाब ना पाना, तो यू लोग अब पाटा आ गए ना, शांत हो गए ना। लेकिन ये बच्चन के भी आज हम कहल चाहते हैं कि बेटा तुहरियो सबके हुआ, तुहरियो सबके हुआ, नाना बाटे, नानी बाटी, मौसी बाटी, मामा बाटे, मतलब हर एक भरा पूरा फैमिली हमारियो बाटे एगो, बट मामा भी बाटे। तो आप लोग से बस यह कहल चाहता नहीं कि पता नहीं काश के तरह हम आप लोग से बताएं, कुछ समझ में ही नहीं खेवत कि के तरह बताएं, का हमारे अंदर इस समय घबराहट भी होता और डर भी लगता कि पता ना ये वीडियो वहाँ पर जाए लोग देखी हैं तो का कही हैं का नहीं कही हैं, और लोग का तो कामे है कहल, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी होना जौन कि काम कहले के साथ साथ करल भी चाहे ना। जैसा कि रउआ लोग जाना था नहीं कि हम जब गए लानी दशहरा में जब गए लानी, वहीं का कोई लड़का था जो हमको कॉल करता था, धमकी देता था, बोलता था कि आ जाइए तो तुके जान से मार दे, तुके गोली मार देते, अले कैसे, अगर हम रह लाती तुके गोली मार दे ले रहती, मतलब बहुत ज़्यादा, और मतलब झगड़ा वो लड़का किया था, वहीं का था, बगल में का था, उसका पता नहीं ऋषि कुछ ऐसे कुछ नाम है उस लड़के का, हम वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते उसके बारे में, आवाज़ हम उसका पहचान रहे हल्का, तो रिश्ते में भतीजा लगेगा। और ये जो है मेरा भाई, आपसे मिला देते, मेरा छोटा भाई है, हचक्का से इसलिए बोले हैं कि हम बोल नहीं पा रहे थे, डर रहे थे, छोटा मेरा भाई है, और इसका नाम हिमांशु राय है, मेरा नाम रिंकी राय है, और भुईहार और राय एक ही जात होता है, तो भुईहार राय एक ही जात होता है। तो कमेंट में ही लोग ना पूछेगा कि आपका भाई राय है या भुईहार है, तो ऐसा कुछ नहीं है, राय और भुईहार एक ही जात को कहा जाता है। और हिमांशु आया है मिलने के लिए हमसे, तो हमके बहुत मतलब आज बहुत दिल से क्या बताएं आप लोगों के, एकदम हम शॉक्ड हो गए बानी, हमको विश्वास नहीं होता कि मतलब
कैसे हम मतलब फील करी कुछ समझ में ना आता का कहीं। छन छन देखी आते मतलब मामा के गोद में बैठ गई, कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है। कौन है आपके? भैया कौन है? भैया। ये सबको भैया कहती है क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि इसका अभी तक कोई मामा आया नहीं इसके पास कि किसी, मैं तेरा मामा किसी को मामा कहे और यही सब बातें हैं। तो देखिए बच्ची तो बच्ची है, बच्ची को कोई सिखा फुसला बहला नहीं सकता है, बच्ची तो बच्ची है। कौन है रिया है तुम्हारा? मामा। रिया कौन है? मामा। ये दोनों लोग मामा बोल रही है, ये भैया बोल रही है। दिव्यम को भी भैया ही बोलती है ना, ये दिव्यम है पीछे ना, तो दिव्यम को भैया बोलती है, दीपू को भैया बोलती है, बहुत लोग है जिसको भैया बोलती है। क्योंकि ऐसे ऐसे लड़कों को मैं अपना बेटा मानती हूँ तो बेटा बेटा कहती हूँ, तो सब बच्चे मेरे भैया कहते हैं, तो इसलिए ये इनको भाई भैया कह रही है। लेकिन भैया नहीं है बेटा, तेरा मामा है ये। कौन है? मामा। क्या बोलोगी आज से? मामा। इसका क्या नाम है? नाम भी है बेटा इसका? मानसू। मानसू नाम है, जान तो गई। तो आप लोग से क्या ही बताएं, देखिए यहाँ पे हमने बाबू के लिए पानी ला के दिया था, पीने के लिए चाय दिया था। मेरी आंखें मतलब मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी, क्या ही बताऊँ आप लोगों को। और मुझे अभी थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि ये चीजें मैं वीडियो में तो बता तो दी, बट वहाँ का रिएक्शन क्या होगा क्या नहीं होगा और जो भी होगा। और आपसे बता दे भाई, जो है मेरा घर वहाँ नहीं रहता, गाँव पे नहीं रहते हो तो ये बाहर रहता है, घर पे नहीं रहता है। और घर पे रहता तो अच्छा, तुम घर पे रहते तो आती मुझसे मिलने? हाँ दीदी, आप पक्का आते हैं? आते हैं। कैसे यार तुम्हारा मन कर दिया कि दीदी के पास जाए? मन अंदर से अजीब सा लग रहा था, मन किया दीदी से मिलने, दीदी से मिलने। आज किसी से बताया भी ना, दीदी से मिलने चले आए हैं। घर पे क्या हाल होगा? अब पता नहीं, अभी तो किसी से बिना बताया आए दीदी से मिलने का। दीदी से मिलेंगे तो दीदी से किसी भी हाल में आए, चुपके से आए मिलने दीदी से। तो देखिए फ्रेंड, हम बस आप लोग से कहना चाहते हैं कि क्या ही कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमारे। और इतने दिन के बाद देख करके हम भावुक हो गए हैं, और इतना दिन रोए हैं ना कि अब तो आपके आंसू भी सूख गया है। और बहुत रोए, बहुत आप लोग भी हमारे वजह से बहुत रोए हो, अब नहीं रुलाना चाहते हैं आप लोगों को। ये खुशियों का पल धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी में आ रहा है, इसके साथ हम खुल के जीना चाहते हैं, खुल के हंसना चाहते हैं, खुल के उड़ना चाहते हैं, जो कि हमारे पंखे जो थी कट गए थी। ये फैमिली जो होता है, देखिए एक माँ बाप का जो प्यार होता है वो कोई ले नहीं सकता है, चाहे वो पति हो, बच्चा हो, कोई भी हो। एक माँ का जो प्यार होता है, एक पिता का जो प्यार होता है, एक भाई बहन का जो रिश्ता होता है, वो लड़ना, वो झगड़ना, वो मारपीट करना, वो खेलना, वो कूदना, हर एक सारी बातें हमको भी बहुत याद आती हैं। हर एक नाइट याद आती हैं, हर एक रात याद आती हैं। दिन तो किसी तरह से कट जाता है, बट रात में जब मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ ना, और मैं जब वीडियो एडिटिंग करने के बाद थोड़ा सा जब मुझे टाइम बचता है, मैं सोचती हूँ सो जाऊँ। जब मैं सो जाती हूँ तो मतलब सो नहीं पाती हूँ, मुझे हर रोज़ हर रात को नींद नहीं आती है। मुझे पापा की याद आती है, मम्मा का याद आती है, बहुत ज़्यादा ही याद आती है। क्योंकि मुझे क्या ही बताऊँ आप लोगों को, बहुत ज़्यादा खलता है, कमी महसूस होता है। और एक दिन मैं मतलब सास ससुर के साथ वीडियो बनाई थी, उसमें मैं बोली थी कि मुझे मतलब माँ बाप का कमी महसूस नहीं होता है। देखिए परिवार के साथ जब कोई रहता है, अगर आपके सास ससुर आपके पास है, वही आपका माँ बाप का फर्ज निभा रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? वही आपके माँ बाप, आपके पति के माँ बाप हो या आपके माँ बाप हो, माँ बाप कभी बांटे नहीं होते हैं। लेकिन अपना जो माँ बाप होता है, माँ ही बाप होता है, वो प्यार कोई नहीं दे पाता है, चाहे अपना सास हो चाहे ससुर, कोई नहीं दे पाता है। और एक बहन मतलब कई लोग उसमें कमेंट किए थे कि भाभी जी ने बोला था कि उनके ससुर सास भी सासत किए थे। देखिए वक्त बदल गया, इंसान बदल गया, सासत तो हर किसी ने किया था। ऐसा नहीं कि हमारे महादेव जी ने हमारा सासत नहीं किया था, उन्होंने भी बहुत हमारा सासत किया था। लेकिन ये सब चीज़ें बीती बातें जो बीत गई उसको हम उघाड़ना नहीं चाहते हैं, और ये खुशियों का पल है, इसको हम अच्छे से बिताना चाहते हैं। हमारा लोग से कहना चाहते हैं यही, हमारा भाई है, मेरा छोटा भाई हिमांशु है, और इतने दिनों के बाद आया है, 17 साल के बाद पहली बार आया मुझसे मिलने के लिए। क्या बताएं आप लोग से, करेजे में एकदम ठंडक मिल गई। अब इसको देखने के बाद एकदम मन कर रहा है हिमांशु ना कि कब मम्मी पापा को देख लें, कसम से कह रहा है। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, सच में कह रहा है। अब चलिए मेरे घर चलिए।